स्टूडेंट्स, आपकी जो आज सेकंड वर्कशीट मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ दैट इज़ ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स। कंसेप्ट नया नहीं है, ग्रेटर नंबर हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। सो ग्रेटर नंबर की जो मेथड थी वो क्या थी, हमने क्या सीखी थी, जो नंबर 1 to 10 की लाइन में बाद में आता है, ओके, जो बाद में आता है वो नंबर होता है हमारा ग्रेटर नंबर, ओके। जैसे 5 या 7 में 7 5 के बाद में आने वाला नंबर है, सो दैट इज़ अवर ग्रेटर नंबर। बस उसी कंसेप्ट को हमें याद रखना है और उसी कंसेप्ट से हम आपको जो वर्कशीट दी गई है उसे कंप्लीट करेंगे। सो जूनियर केजी स्टूडेंट, हियर इज द वर्कशीट। लेफ्ट तरफ हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, वी हैव गिवन फ्यू नंबर्स ऑन राइट साइड, ओके। दोनों तरफ हमें कुछ नंबर दिए गए हैं एंड बोथ द नंबर्स आर अ 2-digit नंबर्स, ओके। जहाँ पे दो दो फिगर है इट मीन्स दे आर 2-digit नंबर्स, इसे 2-digit नंबर्स कहते हैं। तो 2-digit नंबर में हमें ग्रेटर नंबर किस तरह से सिलेक्ट करना है ये भी मैंने आपको टीच किया हुआ है, सो हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज नंबर 2, ये नंबर में हमारा फर्स्ट नंबर होगा नंबर 2, 2 to 22 में भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा नंबर 2, बोथ आर सेम, ये भी 2 ये भी 2, डिफिकल्ट टू सिलेक्ट विच इज़ ग्रेटर, दोनों नंबर सेम है, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम सेकंड नंबर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर है 1, यहाँ पे सेकंड नंबर है 2, अब तो ये दोनों अलग अलग है, ओके, बोथ आर डिफरेंट, ये 1 ये 2। अब ये दोनों में से बाद में आने वाला नंबर, 1 to 10 की लाइन में बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, 1 या 2। देखिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, 1 ये ऊपर है, 1 के बाद में 2 आ रहा है ना, सो ये 2 के साथ जो आने वाला नंबर है वो होगा हमारा ग्रेटर नंबर। तो 2 नंबर बाद में आता है और इसलिए वो होगा हमारा ग्रेटर नंबर, 2 to 22 इज आर ग्रेटर नंबर, ओके किड्स। तो हमें इसे पूरे स्नेल में आप कलर कर सकते हो या फिर इतने पोर्शन में भी आप कलर कर सकते हो। विल प्रोसीड टू अवर सेकंड नंबर। लेफ्ट साइड जो नंबर दिया है 2 5 25, फर्स्ट नंबर के नीचे अंडरलाइन, फर्स्ट नंबर हमारा 2 है, हमने 2 के नीचे अंडरलाइन की। इस तरफ 2 3 23 में हमारा फर्स्ट नंबर 2 है, अगेन बोथ आर सेम, यहाँ पे भी दोनों सेम है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बिगर नंबर कौन सा है ग्रेटर नंबर कौन सा है। ऊपर जो किया था हम वही करेंगे, यहाँ पे नीचे सेकंड नंबर से सिलेक्ट करेंगे, ओके, ये तो दोनों सेम हो गया तो इसकी तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सेकंड नंबर है 5, उसके नीचे अंडरलाइन, यहाँ पे सेकंड नंबर है 3, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज़, अब हमें डिसाइड करना है कि 5 और 3 में से 1 to 10 की लाइन में विच नंबर कम्स लेटर, बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, 5 या 3। तो देखते हैं, 1 2 3, 3 तो आ चुका, अभी तक 5 नहीं मिला है, 4 and 5, ओके, तो 3 हमें पहले मिल गया और 5 उसके बाद में आया। ग्रेटर नंबर में बाद में आने वाले नंबर वाला जो पूरा नंबर होता है वो बिग नंबर होता है, तो 5 वाला हमारा होगा बिग नंबर, 5 के साथ ये 2 है तो ये पूरा हमारा हो जाएगा बिग नंबर। सो यहाँ पे हमारा बिग नंबर होगा 2 5 25। नेक्स्ट 2 4 24 2 0 20, अगेन वही फर्स्ट नंबर के नीचे अंडरलाइन, अगेन बोथ आर सेम, दोनों सेम है, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड नंबर की तरफ जाएंगे, दिस इज 4, दिस इज 0, ओके, विच कम्स लेटर, कौन सा पहले आता है, 0 तो हमारी लाइन में कहीं पे है ही नहीं, बट 1 से पहले 0 होता है, ओके, अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, ओके, ये हो गया हमारा 0। अब हमें 2 में से सिलेक्ट करना है 4 या 0, 4 बाद में आता है या 0 बाद में आता है, 0 तो ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में मिल चुका, एंड उसके बाद 1 2 3 and 4, ओके, 4 हमें यहाँ पे मिला, 0 के बाद में हमें 4 मिला, ओके, तो 4 के साथ आने वाला जो नंबर है वो होगा हमारा ग्रेटर नंबर। तो हम यहाँ पे 2 4 24 पर कलर करेंगे। एंड लास्ट 2 3 23 2 2 22, अगेन अंडरलाइन द फर्स्ट नंबर 2 and 2, बोथ आर सेम, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करेंगे। सेकंड नंबर की तरफ जाएंगे,
नंबर 3 एंड नंबर 2। विच नंबर कम्स लेटर, बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, चेक कर लेते हैं 3 या 2। 1 2, 2 तो हमारा आ गया, ओके, एंड दिस इज 3। 3 उसके बाद में आया, तो 2 और 3 में से बाद में हमें कौन सा नंबर मिला, 3 नंबर। तो ये पूरा नंबर होगा हमारा, 3 के साथ हमें जो भी नंबर दिया गया है वो पूरा होगा हमारा ग्रेटर नंबर। तो हम इस तरह से यहाँ पे कलर करेंगे, ओके किड्स। तो ये एक्टिविटी को करना बहुत इजी है और इसी मेथड से आप 100 तक ग्रेटर नंबर की एक्टिविटी को कर सकते हैं। थैंक यू।